मार्स एज यू नो साइंटिस्ट आर नाउ कंडक्टिंग ऑल काइंड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट टू सी इफ लाइफ कैन बी फाउंड एनीवेयर एल्स इन द यूनिवर्स. नेचुरली इट इज टू एक्सप्लोर अवर ओन सोलर सिस्टम फॉर थिंग्स ऑफ लाइफ देन इट इज टू बेटा प्रूव. रुक जाओ, बेटा रुक ओके जाओ बेटा। मैम. ये बोल रहा है बेटा, व्हाई डू एस्ट्रोनॉमर्स थिंक देयर मे बी लाइफ ऑन मार्स। ठीक है बेटा, आपको एस्ट्रोनॉमर्स का मतलब पता है? नो मैम. अच्छा, आपको पता है ये प्लैनेट्स वगैरह के बारे में? पता है आपको प्लैनेट्स के बारे में? नो मैम. प्लैनेट्स होता है हमारा सन, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। आपने पढ़ा होगा 6 7 क्लास में, है ना बेटा? ओके नहीं मैम. बेटा, कोई बात नहीं। ठीक है, तो एस्ट्रोनॉमर्स एक्चुअली बेटा वो लोग होते हैं जो जो एक्चुअली प्लैनेट्स पे जाते हैं। ठीक है, हाँ टीचर. जो प्लैनेट्स वगैरह पे जाते हैं। ठीक है बेटा, यस मैम. एज यू नो साइंटिस्ट्स आर नाउ कलेक्टिंग ऑल काइंड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट टू सी इफ लाइफ कैन बी फाउंड एनीवेयर एल्स इन द यूनिवर्स। जैसे कि ये लोग एस्ट्रोनॉमर्स जो होते हैं ना बेटा, वो साइंटिस्ट होते हैं। ठीक है, साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, वो लोग क्या करते हैं एक्चुअली, वो लोग ये लगाते हैं, ये लोग मतलब इन लोगों का काम होता है कि लाइक देखना कि वहां पे जिंदगी है कि नहीं जिंदगी है। एक्चुअली अर्थ जो है ना, वो प्लेनेट है। ठीक है, तो अर्थ पे वाटर है एक्चुअली, जो जिस पे हम रहते हैं ना उसे अर्थ बोलते हैं। और अर्थ जो है ना, वो ब्लू कलर का होता है। ठीक है, जो हमारा प्लेनेट है ना, वो ब्लू कलर का है। ठीक है, उसे हम लोग अर्थ बोलते हैं। और यहाँ पे एक्चुअली पेड़ पौधे हैं। ठीक है, पेड़ पौधे हैं और इंसान है, तो इसी वजह से हम लोग इस पे रह रहे हैं। ठीक है, इस पे पानी है, पेड़ पौधे, हर चीज है, इसी वजह से हम लोग रह रहे हैं। बाकी और जगह पे अगर देखा गया है तो वहां पे ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसी वजह से वहां पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो एस्ट्रोनॉमर्स जो होते हैं ना, वो लोग अंतरिक्ष पे पता है जा करके खोज सर्च करते हैं कि कहाँ पे किस प्लैनेट में क्या क्या है, किस प्लैनेट में क्या क्या नहीं है। जैसे कि हमारा मार्स हो गया, ठीक है, हमारा मरकरी हो गया, मीन्स ये सारे हमारे प्लैनेट्स हैं। एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं, ये लोग के सर्च करते हैं, ये लोग एक्सप्लोर करते हैं प्लैनेट्स को। ठीक है बेटा, एक्सप्लोर करना मीन्स किसी चीज को सर्च करना। ठीक है, एज मार्स मीन्स मैम. यू हेलो हेलो. मार्स मीन्स व्हाट बेटा, मार्स. व्हाट मार्स का मीनिंग आप क्या बोल रहे हो मैम, बेटा? मार्स मतलब क्या होता है? मार्स यानी प्लैनेट. ओ ओ बेटा, देखो जो मार्स है ना, वो प्लेनेट का नाम है। ठीक है, जैसे कि हमारा है मरकरी है, वेनस है, अर्थ है। जो अर्थ के बगल में जो आपका जो प्लेनेट है ना, वो मार्स है। ठीक है, मार्स को हम लोग रेड प्लेनेट भी बोलते हैं, क्योंकि वहां पे रेड कलर की सॉइल एंड रॉक पाया जाता है। ठीक है बेटा, रॉक मीन्स पत्थर होता है और सॉइल मीन्स मिट्टी होती है। ठीक है बेटा, ठीक है, तो मार्स का मतलब होता है प्लेनेट। व्हाई डू एस्ट्रोनॉमर्स थिंक देयर मे बी लाइफ ऑन मार्स। ठीक है, तो हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? हम लोग आज पढ़ेंगे जो एस्ट्रोनॉमर्स है ना, वो लोग क्यों सोचते हैं कि मतलब मार्स में भी जिंदगी है, मीन्स लाइफ एग्जिस्ट होती है मार्स में। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ठीक है, एज यू नो साइंटिस्ट आर नाउ कंडक्टिंग ऑल काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स टू सी इफ लाइफ कैन बी फाउंड एनीवेयर एल्स इन द यूनिवर्स। नेचुरली इफ नेचुरली इट इज इजियर टू एक्सप्लोर आवर ओन सोलर सिस्टम फॉर साइन ऑफ लाइफ देन इट इज टू प्रूव आउटर स्पेस एंड वन ऑफ द। जैसे कि इसमें बोल रहा है कि साइंटिस्ट आर नाउ कंडक्टिंग ऑल काइंड ऑफ, साइंटिस्ट जो है ना, वो कंडक्ट कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट्स। मीन्स कंडक्ट करना मीन्स जारी करना। ठीक है,
एक्सपेरिमेंट को वो लोग कंडक्ट कर रहे हैं, रोज एक एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं टू सी इफ लाइफ कैन बी फाउंड एनीवेयर्स एल्स, मीन्स इस पूरी दुनिया में हम लोग लाइफ को कहीं और पा सकते हैं, मीन्स लाइक जीव जंतु पेड़ पौधे इसको हम कहीं और किसी और प्लेनेट में पा सकते हैं कि नहीं पा सकते इस पूरी यूनिवर्स में. Naturally, it is easier to explore our own solar system. ठीक है, मतलब हमें मतलब अगर लाइक अगर लाइफ वगैरह के बारे में पता करना पड़ेगा तो हमें सबसे पहले सोलर सिस्टम ही को देखना पड़ेगा, क्योंकि सोलर सिस्टम में ही तो हमारे प्लैनेट्स आते हैं. ठीक है बेटा, टू एक्सप्लोर आवर सोलर सिस्टम देन इट इज प्रोब. प्रोब का मतलब होता है बेटा जैसे कि चीजों को सर्च करना. ठीक है, प्रोब होता है आउटर स्पेस. एंड वन ऑफ द मैम स्क्रॉल कर दीजिए. प्लेनेट मार्स. तो साइंटिस्ट का कहना है कि मीन्स जो लाइफ है ना वो मार्स प्लेनेट पे पाई गई, मीन्स लाइक उन लोगों को ऐसी आशंका है, उन लोगों को लगता है कि मीन्स ये इसकी पॉसिबिलिटीज है, मीन्स ऐसा हो सकता है मार्स पे हम लोग को लाइफ मिल सकती है. ठीक है, Why did they pick Mars? Well, Mars is considered to be a sort of twin of our own planet Earth. It is the next planet beyond the Earth in distance from the Sun. Mars is about half the diameter of the Earth and it rotates around the Sun in just under 2 years. But Mars has a day that is almost equal in length to our day here on Earth. Okay. इसमें बोल रहा है, why did they pick Mars? इन लोग ने Mars ही को क्यों चुना? Means यहाँ पे तो हमारे पास बहुत सारे planets थे. ठीक है बेटा, हमारे पास तो बहुत सारे planets थे, हम लोग ने इसी को हम लोग ने क्यों चूज किया? ये हमारा क्वेश्चन है. ठीक है, yes ma'am. Well, Mars is considered to be a sort of twin of our own Mars own planet Earth. ठीक है, तो इनका कहना है, ठीक है, कि जो Mars है ना उसे consider किया माना जाता है to be a sort of twin of our own planet. Twin का मतलब होता है जैसे twins brother sister होते हैं, आपको पता होगा. yes. एक जैसे होते हैं, मीन्स एक साथ जो बच्चा पैदा होता है ना उसे twin बोलते हैं. ठीक है, जो एक जैसे दिखते हैं ना उसे twin बोलते हैं. ठीक है बेटा, तो मार्स को कंसीडर किया जाता है क्योंकि अगर देखा जाए तो ये जो हमारा अर्थ है ना, अर्थ के जस्ट बगल में हमारा मार्स है. ठीक है, तो इसी वजह से इन दोनों को एक जैसा कैटेगराइज करा जा रहा है. क्या कहा जा रहा है कि जो जो मार्स है वो अर्थ की तरह है. ठीक है, इट इज द नेक्स्ट प्लैनेट बियॉन्ड द अर्थ इन डिस्टेंस फ्रॉम द सन. कहा जा रहा है कि ये अर्थ, ये जो है इट इज द नेक्स्ट प्लैनेट, ये नेक्स्ट प्लैनेट है अर्थ के बगल में. ठीक है, बियॉन्ड द अर्थ इन डिस्टेंस, मतलब सन, अगर हम सन से अगर हम इसका डिस्टेंस नापे ना तो सन सन से जो प्लैनेट है हमारा वो 2 प्लैनेट का दूरी है. लाइक सन के बाद हमारा मरकरी आएगा, मरकरी के बाद वीनस आएगा, वीनस के बाद हमारा क्या आएगा, वीनस के बाद आएगा हमारा अर्थ, और अर्थ के जस्ट बाद आएगा हमारा मार्स. ठीक है बेटा, तो इसमें ये बता रहे हैं Mars is half about half the diameter of the Earth. Mars जो है ना, Mars वो half diameter about half the diameter of the Earth. वो half diameter है Earth के. ठीक है, Mars. ठीक है, and it rotates around the Sun in just under 2 years. और ये rotate होता है Sun के इर्द गिर्द, like Sun के चारों ओर मतलब घूमता है under 2 years. 2 years में complete करता है. ठीक है, बट मार्स हैज अ डे दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ, बट मार्स हैज अ डे दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ टू आवर डे हियर ऑन अर्थ. बट जो हमारे जैसे हमारा दिन इधर होता है ना, मतलब अर्थ पे इक्वली, मीन्स इक्वल लाइक अर्थ, वैसे ही हमारे मार्स पे भी होता है. ठीक है, ओके मैम. मीन्स यहाँ पे कंपैरिजन कर रहा है अर्थ एंड मार्स की,
ठीक है, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि एस्ट्रोनॉमर्स हैं वो लोग मतलब मार्स पे जिंदगी को तलाश रहे हैं कि यहाँ पे लाइक वेजिटेशन मींस लाइक जीव जंतु रहते हैं कि नहीं रहते, यहाँ पे पेड़ पौधे हैं कि नहीं, यहाँ पे पानी है कि नहीं है, ये सारी चीजों का वो क्या कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। एक्सप्लोर कर रहे हैं मतलब खोज रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, तो ये आपको बताना चाह रहे हैं कि मतलब ऐसी क्या चीज, मतलब ऐसी क्या बात हुई कि हम लोग मार्स ही पे गए, मतलब लाइफ को ढूंढने, हम लोग क्यों दूसरी ओर नहीं गए। हम लोग मार्स पे इसलिए गए हैं क्योंकि वो एक तो सबसे पहली बात कि वो मार्स जो है वो अर्थ के जस्ट बगल में, पहली चीज इसलिए उसे ट्विन बोला गया। ठीक है बेटा, यस मैम, उसमें इन लोगों को लाइफ की आशंका मीन्स लाइक उन्हें लगा कि हाँ इधर भी लाइफ मतलब आराम से लाइक वेजिटेशंस वगैरह हो सकता है, जीव जंतु हो सकते हैं यहाँ पे, लोग मीन्स सरवाइव कर सकते हैं, यहाँ पे पानी हो सकता है, यहाँ पे मतलब ये सारी चीजों को उन्होंने ढूंढ करके आपको बताया। ठीक है, रीड यस। बेटा। इन ऑब्जर्विंग मार्स, एस्ट्रोनोमर्स हैव नोटिस सर्टेन थिंग्स दैट इंडिकेट ए फॉर्म ऑफ लाइफ मे बी पॉसिबल देयर। फर्स्ट ऑफ ऑल, मार्स हैज सीजन लाइक द अर्थ। इन फैक्ट, अर्थ द सीजन चेंज इन मार्स। देयर सीम टू बी चेंजेस ऑन इट्स सरफेस। द डार्क एरियाज गेट स्ट्रॉन्गर इन द स्प्रिंग एंड समर, एंड द कलर चेंजेस फ्रॉम ब्लूइश ग्रीन टू येलो फॉर होल दिस बी वेजिटेशन। वेजिटेशन। वेजिटेशन विडे इसने बता रहा है, इन ऑब्जर्विंग मास एस्ट्रोनॉमर्स हैव नोटिस्ड सर्टेन थिंग्स दैट इंडिकेट अ फॉर्म ऑफ लाइफ मे बी पॉसिबल देयर। इसमें ये बोला जा रहा है इन ऑब्जर्विंग मार्स, एक्चुअली मार्स में ऑब्जर्व किया गया, ऑब्जर्व करना मीन्स महसूस करना। ठीक है बेटा, एस्ट्रोनॉमर हैव नोटिस सर्टेन थिंग्स मीन्स जो एस्ट्रोनॉमर्स है ना उन्होंने कुछ चीजें नोटिस की है। ठीक है, दैट इंडिकेट अ फॉर्म ऑफ लाइफ मे बी पॉसिबल देयर, उनको वो इंडिकेट करती है कि ए फॉर्म ऑफ लाइफ मे बी पॉसिबल देयर, यहाँ पे जिंदगी पॉसिबल है, लाइफ यहाँ पे लोग सरवाइव कर सकते हैं, यहाँ पे इनको पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है। ठीक है बेटा इंडिकेट मीन्स मैम, जी, इंडिकेट मीन्स इंडिकेट मीन्स जैसे कि बता रही हूँ सर्टेन थिंग दैट इंडिकेट फॉर्म मीन्स इंडिकेट करना, लाइक जैसे कि एक सेकेंड बता रही हूँ, इंडिकेट करना मीन जैसे कि डायरेक्शन बताना होता है। ठीक है बेटा, जैसे डायरेक्शन बताना, इंडिकेट करना मैं जैसे कि इंडिकेट करना, जैसे कि आपको जैसे कलर्स है, जैसे कि एप्पल है। ठीक है, ठीक मैम। है, अगर आपको बच्चे को बताना होगा, अगर आप बच्चों को पढ़ाओगे कलर्स के बारे में, ठीक है, तो बच्चों को आप एप्पल ला करके दिखाओगे और क्या करोगे, कहोगे ना ये किस कलर का है, तो इसमें जो रेड कलर है, रेड कलर वो किसके प्रतीक है, रेड कलर जो है वो इंडिकेट करेगा कि जो एप्पल है वो रेड कलर का है। ठीक है, आप बताओगे ना बच्चों को, तो इंडिकेट यस का मतलब है कि किसी को बताना। ठीक है, इंडिकेट मैम, करना, यस समझ में आया बेटा? मैम, ओके, फॉर्म फ्लाई में ही पॉसिबल देयर, ए फॉर्म ऑफ लाइफ में ही पॉसिबल। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्स हैज सीजन लाइक द अर्थ, मतलब इसमें बोला जा रहा है कि मार्स में ना सीजन्स होते हैं। ठीक है, सीजन्स का मतलब लाइक सीजन का मतलब तो पता है ना, जैसे ठंडी गर्म बरसात, ठीक है, यस मैम, ये सारे सीजन्स कहाँ मार्स में अवेलेबल है, मीन्स मार्स में होते हैं। ठीक है, इन फैक्ट एज सीजन चेंज इन मार्स, इनफैक्ट एज द सीजन चेंज इन मार्स, जैसे कि हमारे यहाँ ना जैसे सीजन्स वगैरह चेंज नहीं होते, वैसे मार्स में भी चेंज होता है। ठीक है बेटा, ओके देयर सीम्स टू बी चेंज ऑन इट्स सरफेस, द डार्क एरिया गेट स्ट्रॉन्गर इन द स्प्रिंग एंड समर, जो डार्क एरिया होता है ना बेटा, ठीक है, डार्क का मतलब होता है अंधेरा। ठीक है, यस मैम,
डार्क एरिया गेट स्ट्रोंगर, वो बहुत ज्यादा स्ट्रोंग हो जाता है स्प्रिंग टाइम में, ठीक है। और जो समर टाइम होता है ना, स्प्रिंग मीन्स लाइक स्प्रिंग सीजन, आपको पता होगा ना, जब लाइक नई नई पत्तियां आती हैं, नए नए यस फ्लावर्स आते हैं, लाइक पेड़ पौधे वो जो होते नहीं है, लाइक जब ट्रीज में नए नए पत्ते आते हैं, स्प्रिंग सीजन बोलते हैं, ठीक है बेटा। ओके मैम समर सीजन होता है आपका गर्मी का, एंड द कलर चेंजेस फ्रॉम ब्लूइश ग्रीन टू येलो, मीन्स इसमें होता ये है ना कि द डार्क एरिया गेट स्ट्रॉन्गर, मतलब होता ये कि जो अंधेरा वाले जो साइड्स होती है ना, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, मजबूत हो जाती है स्प्रिंग टाइम में, एंड समर, एंड द कलर चेंज फ्रॉम द ब्लूइश ग्रीन टू येलो, और जो कलर होते हैं ना वो चेंज होने लगते हैं, जैसे कि ब्लूइश जो होता है वो ग्रीन टू येलो का कन्वर्ट हो जाता है। कुड दिस बी वेजिटेशन, क्या यहाँ पे कुड दिस बी वेजिटेशन मीन्स ये क्या इंडिकेट करता है, मीन्स क्या ऐसा, कुड दिस बी वेजिटेशन मीन्स वेजिटेशन का मतलब होता है बेटा जैसे वहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, मैंने आपसे बताया ना, वैसे वेजिटेशन का मतलब होता है जीव जंतु, पेड़ पौधे, मीन्स हर वो चीज जिसमें जान होती है, ठीक है बेटा। मैम कुड दिस बी वेजिटेशंस, उसमें ये पूछ रहा है कि क्या ये मीन्स लाइक हमें ये बता रही है कि मीन्स हाँ वहां पे लाइफ है कि नहीं है। मैम स्क्रॉल कर दीजिए, पढ़ो बेटा। एस्ट्रोनोमर्स ऑल्सो बिलीव दैट देयर इज एट लीस्ट ए स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमोसफेयर ऑफ मार्स एंड दिस विल बी हेल्पफुल इन सपोर्टिंग लाइफ देन टू इन 1887 एन इटालियन एस्ट्रोनोमर जियोवन्नी रिपोर्टेड सीइंग मार्किंग ऑन द सरफेस ऑफ मार्स दैट रिसेंबल कैनल्स फॉर दिस हैव बीन बाइल्ड बाय मर्टन इन ऑर्डर टू कैरी वाटर फ्रॉम द पॉपुलर पुलर रीजन टू द डिजर्ट एरिया साइंटिस्ट वंडरेड ओके ठीक है बेटा। एस्ट्रोनोमर ऑल्सो बिलीव दैट देयर देयर इज एट लीस्ट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन इन द एटमोस्फियर ऑफ मार्स, एंड दिस वुड बी हेल्पफुल इन सपोर्टिंग लाइफ, ठीक है। इसमें जो एस्ट्रोनॉमर्स है ना, ऑल्सो बिलीव दैट, वो भरोसा करते हैं दैट देयर इज एट लीस्ट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, यहाँ पे एटलीस्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है। वाटर वेपर का मतलब होता है बेटा भाप। अगर आपने बेटा सिक्स और सेवन्थ एट क्लास में आपने वाटर वेपर की पिक्चर डायग्राम भी बनाया होगा, कैसे नदी से पानी इवेपोरेट होता है, इवेपोरेट होकर के कैसे उसके ऊपर कैसे भाप बनती है, फिर भाप बनने के बाद वो ऊपर जाती है, देन बारिश होती है, ठीक है बेटा। ये एक प्रोसेस है, कैसे वर्षा होती है ये एक प्रोसेस है। ये सब होता किसे, ये आपका होता है वाटर वेपर से, जो वर्षा की जो प्रोसेस है ना वो होता है वाटर वेपर से, ठीक है बेटा। तो एस्ट्रोनॉमर ऑल्सो बिलीव दैट देर इज एट लीस्ट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमोसफेयर ऑफ मार्स। यहाँ पे कहता है कि जो एटमोसफेयर का मतलब होता है बेटा इन्वायरमेंट से, इन्वायरमेंट का मतलब होता है बेटा वातावरण, ठीक है। तो इसमें वो कह रहा है कि जो मार्स का जो वातावरण है ना, वहां पे इनको शंका है, शंका तो नहीं बोल सकती बेटा, एटलीस्ट इन लोग ने पाया, इनका भरोसा है दैट देर इज एटलीस्ट मीन स्मॉल अमाउंट में, थोड़ी सी अमाउंट में, मीन्स थोड़ी सी थोड़ा सा वहां पे वाटर वाटर वेपर है, ठीक है। वाटर वेपर मीन्स भाप है, ठीक है, मार्स में। एंड दिस वुड बी हेल्पफुल इन सपोर्टिंग लाइफ, और ये क्या है बेटा, ये मीन्स लाइफ को सपोर्ट करने के लिए काफी है, मीन्स लाइक सुइटेबल है, पर्याप्त है, ठीक है। देन टू इन 1887 एन इटालियन एस्ट्रोनॉमर, 1887 में जो इटालियन एस्ट्रोनॉमर था, ठीक है, गोवा गिवानी रिपोर्टेड सीइंग मार्किंग्स ऑन द सरफेस ऑफ मार्स दैट रिसेम्बल्ड कैनल्स। कैनल्स का मतलब होता है बेटा जैसे कि हम लोग शिवर शिवर होती नहीं, अच्छा ठीक है बेटा, कैनल्स का मतलब होती नाली हो गई, ठीक है।
नहर हो गई, मतलब जहां पे पानी वगैरह रहता है, ठीक है, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो गियोवानी है ना, ये इटालियन का एस्ट्रोनॉमर था, ठीक है। इसने रिपोर्टिंग करते करते, वो एस्ट्रोनॉमी के लिए गया होगा, ठीक है, प्लेनेट पे वो गया, और उसे उसने रिपोर्टिंग की, एंड सीइंग मार्किंग्स ऑन द सरफेस ऑफ मार्स, उसने मार्स की सतह पे देखा, सरफेस पे देखा, ठीक है। दैट रिसेम्बल्स स्कैनर, दैट रिसेम्बल का मतलब होता है बेटा किसी से मिलता जुलता, ठीक है। रिसेम्बल्स का मतलब होता है मिलता जुलता, ठीक है। दैट रिसेम्बल्स कैनल्स, जो कि मिलता जुलता था किससे, नाली से, नहर से, ठीक है। उसको वहां पे मार्क मिले थे बेटा, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ मार्क दैट रिसेम्बल्स कैनल, जो किसके तरह दिख रहे थे, कैनल्स की तरह दिख रहे थे, उसको वैसे मार्क दिखे थे, ठीक है। आप बोल सकते हैं नाली के तरह, ठीक है, मीन्स उसी के आकार के, उसे सामान मीन्स उसे वैसी चीजें देखने को मिली थी मार्स पे, ठीक है बेटा। ओके कुड दिस हैव बीन बिल्ड बाय मार्टियंस इन ऑर्डर टू कैरी वाटर फ्रॉम द पोलर रीजन टू द डेजर्ट एरियाज, ठीक है। इसमें ये कह रहा है कुड दिस हैव बीन बिल्ड बाय मार्टियंस, मार्टियंस का मतलब बेटा होता है जैसे कि जो लोग प्लैनेट्स में रहते हैं ना, उनको मार्टियंस बोलते हैं, ठीक है। कुड दीज हैव बीन बिल्ड बाय, तो वो कैनल्स की, अभी मैंने आपसे बताया था कि उसको मार्क्स मिले थे कैनल्स के, जैसे जो रिजम्बल होते थे कैनल से ना, तो उसका कहना है गियोवानी का कि क्या पता वो मार्टियंस ने बनाए हो, इन ऑर्डर टू कैरी वाटर फ्रॉम द पोलर रीजन टू द डेजर्ट एरिया, मीन्स कि क्या पता उन्होंने, जैसे कि हम लोग को जब, जैसे कि आप अगर राजस्थान में जाए, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, वाटर की कमी होती है बहुत, है ना। यस मैम आपने देखा होगा कि हर घर में वो लोग मीन्स लाइक हर घर में उनके मतलब पॉट्स होते हैं, ठीक है, उनके घर में। हमारे यहाँ तो नॉर्मली यहाँ पे फ्रिज रखी जाती है, ठीक है, यहाँ पे इतनी यूपी साइड में इतनी पानी की किल्लत नहीं है, ठीक है, बट वहां पे हर घर में क्या किया जाता है, हर घर में घड़े रखे जाते हैं, वहां पे पानी बहुत ज्यादा वो लोग इकट्ठा करके रखते हैं, ठीक है। और आप हर घर में जाएंगी तो नॉर्मली हर हर जगह आपको कुएं देखने को मिलेंगे, मैक्सिमम कोटा वगैरह में कुएं ज्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है बेटा। वो इसलिए क्योंकि वहां पे गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, और दूसरा वहां पे मिट्टी मिट्टी बहुत रहती है, इसी वजह से पानी की किल्लत बहुत है, ठीक है। तो वहां पे लोग क्या करते हैं, खुद को पानी को इकट्ठा करने के लिए कुछ ना कुछ चीजें तैयार करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही इसमें बोल रहा है जो could these have been built by mountains in order to carry water from the polar region to the desert areas, कि ये भी मतलब मार्टिन जो होते हैं, वो मैंने आपको बताया कि जो अंतरिक्ष में रहते हैं उनको बोला था, प्लेनेट में जो रहते हैं, ठीक है। तो क्या ये उनके थ्रू बिल्ट किया गया था, मींस क्या ये जो कैनल्स है, क्या ये मार्टिन लोगों ने बनाया है, ऐसा गिवानी कह रहा है, ठीक है। इन ऑर्डर टू कैरी वाटर मीन्स फ्रॉम द पोलर, पोलर रीजन का मतलब होता है बेटा, जैसे कि आपको पता है कि पोलर का मतलब पता है ना आपको, ठीक है बेटा। पोलर जो होता है ना, वो एक तरह का एनिमल होता है, ठीक है, आपने टीवी पे देखा होगा, जहां पे बहुत ज्यादा बर्फ गिरती है वहां पे पोलर बियर रहता है, ठीक है। तो पोलर रीजन का मतलब होता है जहां पे ठंडी इलाका, ठीक है, टू द डेजर्ट एरियाज, डेजर्ट एरिया का मीन्स होता है जहां रेगिस्तान को बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें बोलते हैं कि जो मार्डियंस होते हैं, इन ऑर्डर टू कैरी वाटर फ्रॉम द, वो लोग कैरी करते थे वाटर, कैरी करना मीन्स चीजों को पकड़ के मतलब ले करके आते थे पानी फ्रॉम द पोलर रीजन, मीन्स ठंडे इलाके से गर्म इलाके में, ठीक है। साइंटिस्ट जो थे वंडर्ड, साइंटिस्ट वंडर्ड, वंडर्ड का मीन्स होता है लाइक सरप्राइज हो जाना, ठीक है, आश्चर्यचकित, ठीक है। हेलो
हेलो जी मैम। रीडिंग करो। हो गया बेटा? नहीं मैम, इन 1976 टू अमेरिकन विकिंग स्पेस प्रोब्स लैंडेड ऑन द सरफेस ऑफ मार्स। द इंस्ट्रूमेंट्स इन द स्पेस प्रोब सर्चेड द सराउंडिंग सॉइल फॉर सिग्नल्स ऑफ लाइफ एंड ब्रॉट देयर रिजल्ट्स बैक टू अर्थ। दिस रिजल्ट शोड दैट ईदर देयर आर जम्स इन द सॉइल और दैट द सॉइल इज वेरी अनयूजुअल एंड नॉट लाइक दैट ऑन अर्थ। इफ लाइफ डज एग्जिस्ट ऑन मार्स इट कॉल बी ए वेरी सिंपल फॉर्म ऑफ लाइफ। ठीक है बेटा, बेटा आप रीडिंग क्लियर कर लीजिए। ठीक है, ओके मैम। ठीक है, ये आपके आपकी रीडिंग सही है, बट आप रेगुलर करते हैं ना, आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है, आपकी रीडिंग अच्छी है, बस यही है कि आपके जो कुछ वर्ड्स है ना वो क्लियर नहीं है। ठीक है, अब वो क्लियर कब होंगे? जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इसलिए आपको रीडिंग जो है ना उसकी प्रैक्टिस करनी है रोज। ठीक है, ओके। ठीक है, इन 1976 टू अमेरिकन अमेरिकन वाइकिंग स्पेस प्रोब्स लैंडेड ऑन द सरफेस ऑफ मार्स। ठीक है, 1976 में टू अमेरिकन वाइकिंग्स थे, वो स्पेस प्रोब लैंडेड, वो लैंड इन देखिए। ठीक है, ये जो टू अमेरिकन थे ना, ये लोग क्या करते, इनके जो स्पेस थे वो प्रोब लैंडेड ऑन द सरफेस। वो लोग पता है मार्स पे इनका जो स्पेस था वो लैंड होता है, लैंड होना मीन्स वहां पे आके ठहरता है। ठीक है, कहाँ पे? मार्स पे। ठीक है बेटा, मार्स के सरफेस पे। वाइकिंग का मतलब होता है बेटा, देखिए जैसे कि अगर आप अभी ब्रिटिश हिस्ट्री पढ़ेंगे ना बेटा, तब आपको पता चलेगा जो वाइकिंग्स थे ना वो लोग थे जो स्कैंडिनेवियन, मीन्स ये एक जगह का नाम है। ठीक है, एक जगह का नाम है, और ये वाइकिंग्स थे वो वहीं पे रहते थे। ठीक है, वाइकिंग स्पेस प्रोब लैंड ऑन द सरफेस ऑफ मार्स, इन लोग ने लैंड किया था अपना स्पेस, ठीक है, मार्स की सतह पे। ठीक है, द इंस्ट्रूमेंट इन द स्पेस प्रोब सर्च द सराउंडिंग सॉइल फॉर साइन ऑफ लाइफ। द इंस्ट्रूमेंट इन द जो इंस्ट्रूमेंट था ना स्पेस पे, इंस्ट्रूमेंट का मीन्स होता है औजार। ठीक है, ठीक है बेटा, इंस्ट्रूमेंट्स। हेलो, हेलो। हाँ हाँ बेटा, आपको इंस्ट्रूमेंट का मतलब पता है ना? नहीं मैम। इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है जैसे कि बेटा आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में सुनते हैं। हाँ, जैसे कि मीन्स बहुत सारे हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं जो इंस्ट्रूमेंट के अंदर आते हैं। वैसे तो हमारा मैक्सिमम तो हमारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ही होता है, हम लोग ने अभी तक सुना है। ठीक है, बस इंस्ट्रूमेंट मीन्स होता है जैसे कि चीजें। ठीक है, द इंस्ट्रूमेंट इन द स्पेस, जो इंस्ट्रूमेंट थे ना स्पेस में, प्रोब सर्च द सराउंडिंग, वो प्रोब मीन्स लाइक सर्च करते हैं सराउंडिंग को, प्रोब सर्च द सराउंडिंग, वो आसपास को सर्च करते हैं इंस्ट्रूमेंट के थ्रू अपने। ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, वो अपने इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मतलब इंस्ट्रूमेंट से क्या करते हैं, स्पेस में मतलब वो लोग क्या करते हैं, वो लोग मार्स पे उतरते हैं, उसके बाद वो उनके पास जो इंस्ट्रूमेंट होता है, इंस्ट्रूमेंट मीन्स जो इक्विपमेंट होता है, वो लोग क्या करते हैं, वो सर्च करते हैं सराउंडिंग मार्स की। ठीक है, सराउंडिंग मीन्स चारों ओर। ठीक है, सॉइल फॉर साइन ऑफ लाइफ मीन्स वो लोग वहां पे मिट्टी वगैरह देखते हैं फॉर साइन ऑफ लाइफ, एंड रेडियो रेडियो देयर रिजल्ट बैक टू अर्थ। वो लोग फिर उसके बाद उन सबको चेक करते हैं। ठीक है, चेक करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि देयर रिजल्ट बैक टू अर्थ, और फिर वो वापस अर्थ पे आ जाते हैं। ठीक है, दीज रिजल्ट shows that either there are germs in the soil or that the soil is very unusual and not like that on earth. Means इनको पता है इन लोगों ने क्या चीज ली थी, अपने इंस्ट्रूमेंट लेकर के तो गए थे ये लोग। ठीक है, इन लोगों ने अपनी सर्च पूरी पता है किस पे की है, ये जो टू वाइकिंग्स थे ना अमेरिकन वाइकिंग्स, इन लोगों ने पूरी सर्च अपनी ये साइन ऑफ लाइफ, एक्चुअली ये लोग सॉइल के थ्रू, सॉइल मीन्स होता है बेटा मिट्टी। ठीक है, मिट्टी के थ्रू इन लोगों ने जानने की कोशिश की है कि लाइफ एग्जिस्ट होती है कि नहीं हो सकती यहाँ पे। ठीक है, और फिर वो लोग मिट्टी के साइन लेकर के वापस आ जाते हैं। ठीक है, अर्थ पे। दीज रिजल्ट शोज दैट आइदर देयर आर जर्म्स इन द सॉइल और दैट द सॉइल इज वेरी अनयूजुअल।
मीन्स वो लोग ये देखना चाहते हैं या तो मिट्टी में बहुत सारी गंदगियां हैं, ठीक है, या तो जो सॉइल है बहुत ज्यादा अनयूजुअल है. अब वो कंपेयर कर रहा है, मीन्स अर्थ की मिट्टी को देख रहे हैं और मार्स की मिट्टी को देख रहे हैं. अब वो क्या कर रहा है, जैसे कि अर्थ की जो मिट्टी होती है वो कैसी होती है कैसी नहीं, उससे कंपेयर कर रहा है. वो कह रहा है कि अनयूजुअल मीन्स लाइक वो यूजुअली, यूजुअली मीन्स रोज की जो मिट्टी है वो उसको देख रहा है, और फिर उसको देख रहा है, फिर कह रहा है कि अनयूजुअल मीन्स वो अर्थ के जैसे है कि नहीं है. ठीक है, दैट ऑन अर्थ. इफ लाइफ डज नॉट एग्जिस्ट ऑन मार्स, इट वुड बी अ वेरी सिंपल फॉर्म ऑफ लाइफ. अगर जो लाइफ है ना वो एग्जिस्ट करेगी मार्स पे, ठीक है, इट वुड बी अ वेरी सिंपल फॉर्म ऑफ लाइफ. वो बहुत ही वेरी सिंपल फॉर्म ऑफ लाइफ होगी, बहुत ही सिंपल वे ऑफ लाइफ होगी वहां पे. ठीक है, सो बेटा आपको समझ में आया? मैम मार्च पे लोग रहते हैं. नो 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 बेटा, मार्स पे बेटा अभी भी स्टिल सर्च हो रहा है, लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, लोग सर्च कर रहे हैं, साइंटिस्ट जो है ना एस्ट्रोनॉमर्स वो स्टिल देख रहे हैं कि अभी मींस वहां पे पॉसिबल है कि नहीं है. ठीक है बेटा, वहां पे पॉसिबल मतलब इन लोगों के मतलब अभी तक जो हमने पढ़ा ना उस पे वो लोग स्टिल सर्च कर रहे हैं. अभी हमने पूरी तरीके से प्रूव और पॉसिबिलिटीज नजर नहीं आई है कि वहां पे है कि नहीं है. बट हाँ, वहां पे अर्थ की तरह वहां पे मौसम है. ठीक है, अर्थ की तरह वहां पे मौसम है, अर्थ जैसे कि हमारे पृथ्वी पे कैनल्स है वहां पे कैनल्स है. ठीक है, ओके ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है जिससे हमें लगता है कि वहां पे लाइफ एग्जिस्ट होती है और हम कर सकते हैं. ठीक है, मैम. और वैसे भी बेटा आपको पता है आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है. ठीक है, आजकल कितना कितनी ज्यादा मीन साइंस आगे चली गई. ठीक है, तो क्या पता इन फ्यूचर जो हमारे साइंटिस्ट है ना, क्या पता इन फ्यूचर मीन्स जिंदगी मार्स पे भी पॉसिबल हो. ठीक है, ओके मैम.